बना हुआ, जो मैंने अभी आपको ड्राइंग दिखाया उसका ये जॉब बना हुआ है, ठीक है, एक बक्सा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करूंगा क्या मेरा ये उसी तरीका से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ड्राइंग के ऊपर होने वाला है कि ड्राइंग जो होता है, जब हम काम करते हैं तो हमें ड्राइंग मिलता है काम करने के लिए, तो वो ड्राइंग को पढ़ें कैसे, जाने कैसे, और उसको पढ़ के हम जॉब कैसे बनाएं, जो हमें मटेरियल मिलेगा उसे कौन बनाए। तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था, सूरज गौतम जी ने, कि सर ड्राइंग पढ़ना बताएं, मेरे लिए हर एक व्यूअर नया लड़का है तो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है, तो उनके लिए और उन जैसे व्यूअर के लिए मैं आज ड्राइंग पढ़ना बताऊँगा, और आपको एक ड्राइंग का स्केच जो है उस पर जो मैंने जॉब बनाया है उस जॉब को स्टेप बाय स्टेप मैं चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या पीस बनी है या नहीं। तो आइए पहले देखते हैं हम ड्राइंग। तो फाइनली हम अपने फाइल को खोल लेते हैं, ये हमारा फाइल है और ये देखिए इसमें एक ड्राइंग, इसमें काफ़ी सारे ड्राइंग ऐसे रखी हुई है क्योंकि हमें काम करना होता है तो हर ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऐसे इसमें दो ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पे दो डाई बक्सा का हमारे पास ड्राइंग पड़ा हुआ है, और इनमें अगर मान के चलिए ये ड्राइंग आपको दे दिया गया कि आप इसको ले लो, तो आप देखोगे कि ये क्या क्या ऐसे लकीरें खींची हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ साइज लिखे हुए हैं, तो इसको जानेंगे कैसे? बहुत सारे जो नए लड़के उन्हें नहीं पता होता है, तो बिल्कुल मैं उनके लिए आसान करूँगा यहाँ पर समझना। अब एग्ज़ाम्पल में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे दे रहा है ना, ये एक है, यहाँ से ये देखो, या इधर एक है और ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज में, ड्राइंग में बड़ा सा दिख रहा है, अब यहाँ से एक लकीर खींची हुई है और इस लकीर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से सीधा एक एरो बना होगा, ठीक है, एरो के तो यहाँ पर देखिए 285 लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बड़ा वाला जो, जैसे कि आपको जो लोहा मिलेगा कास्टिंग ऊपर ऊपर का, ये आपका 285 है, ठीक है, ये वैसे है। उसके बाद फिर यहाँ पे 247.0 यानी कि ये पूरा 274 है, मैं उल्टा दिखा, 274 है, ये 274 का जी, यानी कि आगे का जो स्टेप हमारा बनेगा यहाँ से, ये जो ओडी साइज से जब हम नीचे जाएंगे, ये ओडी साइज से ऐसे जब हम नीचे जाएंगे तो ये जो हमारा कॉलर साइज बनेगा यहाँ पे, ये 274 का बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ 200 यानी कि इसका जो अंदर का आईडी है, ये जो अंदर का आईडी बनेगा वो हमारा 200 एमएम का बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए 119 करके, तो ये तरीका होता है इसमें जानने का, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान करूँगा एक ड्राइंग के ऊपर, मैंने जो स्केच बना रखा है अपने हाथों से ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और स्टेप बाई स्टेप मैं पीस चेक करके आपको दिखाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ताकि आप क्लियर कर सकें कि हाँ मैंने ड्राइंग देखना सीख लिया। तो आइए पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक स्केच बना रखा है, वैसा ही बक्सा है जैसा मैंने आपको पहले अभी ड्राइंग में दिखाया, सेम वैसा ही मैंने एक ऐसे कागज़ के टुकड़े पे मैंने इसको बना दिया है ताकि मुझे काम करना है वो हमारा ड्राइंग ख़राब ना हो, ताकि हम एक डुप्लीकेट ऐसा बना लेते हैं और अपने मशीनों पे रख के आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ, अब ये जो जैसे ऐसे 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 मैंने निशान लगा रखा है आप देख रहे हैं, तो ये हमारा इसमें काम नहीं होगा, ठीक है, इस बात को आप देखिए, ये दो पार्ट में है, ऐसे आपको लग रहा होगा कि दो पार्ट में, लेकिन एक ही है, ड्राइंग बनाने का ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था ना, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं और इधर जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बड़ा ओडी है, यानी कि ये हमारा बड़ा डाया है, तो इसका साइज हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ से ऐसे 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 करके ये निकल रहा है, और यहाँ से भी ऐसे करके निकल के यहाँ पे हमने 310 लिखा हुआ है, ठीक है, आप मेंशन कर पा रहे होंगे यहाँ पे 310 है, यानी कि जो बड़ा ओडी है वो 310 का रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से स्टेप है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आके ये हमारा स्टेप है, और ये स्टेप कितने का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना 10 mm, यानी कि ये जो स्टेप बनेगा यहाँ पर हमारा वो 10 mm का बनेगा। और जो अब हमारा जो 10 mm का आपने स्टेप देखा, ये 10 mm का ओडी जो साइज रहेगा ना, बिल्कुल पीछे छोटा सा रहेगा ऐसे, वो 93 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 93 लिखा हुआ है, 93 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये आप खाली देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये जो आप खाली देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ क्लियर,
यहाँ पे जो आप खाली देख पा रहे हैं, मैंने एरो का निशान लगा दिया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, यानी कि ये आईडी साइज है, यानी कि बोर है हमारा, ठीक है। तो बोर हमारा कितने का है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 52 का है, यानी एक 52 mm का है, ठीक है। अब यहाँ से फिर जब ये एक हमारा हो गया, अब यहाँ से फिर आइए, ये भी एक आईडी साइज है, ये भी हमारा बोर साइज है, इसमें दर्शाया हुआ है आप देख पा रहे हैं 122 mm का। और इसकी जो लंबाई है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये जो लंबाई है देखिए, ये 122 जो है ना, अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट करके ऐसे फाइनल यहाँ पे 100, यानी कि ये 100 mm लंबा में 122 mm का ये आईडी बनेगा। ये बोर साइज है, ये बोर साइज है, और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये लंबाई है, ठीक है। इसी तरीके से अब इधर से ये जो हमारा ये डाया बन रहा है, ये जो हमारा डाया है, अब देखिए यहाँ से एरो बना के ऐसे बना दिया गया है ना, इधर से ये यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है, यानी कि ये 226.0, यानी ठीक है, ये 226 mm का बनेगा। उसी तरीक़े से अब ये बाहर एक और कॉलर है, यहाँ पे एक और बाहर है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये। अब इसका जो साइज रहेगा, यहाँ से देखिए हल्का हल्का डॉट करके हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरीके से इधर से ये आ रहा है, यहाँ पर ये 270 है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान तरीका हो जाता है ऐसा करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मैंने पीस बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप बिल्कुल ही क्लियर हो पाइएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने, ये देखिए, ये मेरे हाथों में वो वही वाला ड्राइंग है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये ऊपर का जो आपने देखा था ये 270, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियर, यहाँ पर ऊपर आगे के साइड में 270 लिखा हुआ है, उसके नीचे 226 लिखा हुआ है। तो क्या ये साइज हमारा बना है या नहीं बना, आइए पहले हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, मैंने बड़ा वर्नियर लगा रखा है, तो ये जो पहला हमारा जो 270 का था वो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये देखिए बिल्कुल आपको मैं क्लियर करूँगा, यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करिए। ये देखिए 270 mm, ये हमारा ये जो ओडी हमारा बाहर का साइड का था वो है, ठीक है। अब ये इसका नंबर आता है, ये कितना था हमारा 226, तो आइए इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए आप यहाँ बिल्कुल अपने वर्नियर पे आप नज़र मारिए कि हमारा ये है या नहीं है, आप ठीक से देख पा रहे होंगे, ये 226 है, ठीक है, हमारा आईडी चेक करने का। तो फ्रेंड हमने ये आपका जो 270 था यहाँ पे आपने देखा, 270 हमने क्लियर किया और ये 226 हमने क्लियर किया। अब ये आता है 122 हमारा जो आईडी है, और ये जो डेप्थ है यहाँ पे मैंने आपको डेप्थ दिखाया था 100 mm, इसको भी आपको हम पहले क्लियर करते हैं। तो फाइनली आईडी हम चेक कर लेते हैं, आपको दिखा दें हम यहाँ पे, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 122 है, क्लियर हुआ ये आईडी हमारा। ये आईडी चेक करने का तरीका, और ये आपके सामने ये देखिए 100.3 के करीब में कुछ आ रहा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा सा है। और अब नंबर आता है हमारा, ये आईडी हमने चेक कर लिया, और ये जो अंदर आप छोटा सा एक बोर सा देख पा रहे हैं, ये इसको जब हम पलटी करते हैं तो उसको भी हम चेक करके आपको दिखा देंगे कैसा है। तो पहला नंबर ये जो हमने डेप्थ बनाया है, अब यहाँ से ये जो बाहर का डेप्थ है ये आप जो देख पा रहे हैं इस फेस से इसका डेप्थ इस, तो अब जो नंबर आता है हमारा यहाँ से बाहर से डेप्थ का, इसका कितना है 53, यानी 53। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो हम डेप्थ चेक कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे रख के हम ऐसे डेप्थ चेक कर सकते हैं, देखिए आपके सामने ये 53 mm है, यानी कि ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। अब इसे हम करते हैं पलटी, तो पलटी करके अब हम इसे चेक करेंगे अच्छे से, और पीछे से भी आपको ये बड़ा वाला डाया का साइज और ये जो है इसका साइज हम क्लियर करते हैं। ये मैंने इसको कर दिया अच्छे से पलटी, और अब करेंगे इसको चेक। अब जो हमारा नंबर आता है, हमने बक्सा को पलटी कर दिया, तो अब हमारा ये और ये, यानी कि ये यहाँ से ये बड़ा वाला ऑडियो में चेक करना है कितने का है, और ये जो हमने बोर किया है पीछे साइड छोटा वाला जो 52 का है वो हमें चेक करना है, और ये जो हमारा छोटा वाला है ये 93, इसको चेक करना है, ठीक है। तो आप देखिए ये बोर मैं चेक कर रहा हूँ, और ये देखिए 52 का बोर बना हुआ है, बोर आईडी जो हमने दिखाया था वो आईडी बोर है। और अब आता है नंबर ये,
जो डाया है इसको चेक करने का, तो इसको भी हम कर क्लियर करते हैं। ये हमारा कितने का था, 93, ठीक है, ये 93 का था, आपने देखा था। अब इसका जो यहाँ से डेप्थ है वो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये 10 है, ठीक है, यहाँ से ये 10 है। ये हमने ओडी चेक कर लिया 93 का, ये जो छोटा वाला ओडी था हमारा 93, और ये इसका डेप्थ जो है यहाँ से 10 का है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो ये डेप्थ हम चेक कर रहे हैं, ये इसके ऊपर लगा दिया गया, और तो आप अब देखिए इसे, ये हमारा पूरा 10.1 करके आ रहा है, यानी 10 का ये हमारा डेप्थ फाइनल है। तो अब जो हमारा है लास्ट क्या बच रहा है, ये हमारा आप देख पा रहे होंगे 310, ठीक है, ये बाहर वाला ओडी 310, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हम इसे चेक कर रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर दूँ, ये देखिए 310 इसका ओडी है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका आपने देखा ड्राइंग पढ़ते कैसे, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक ड्राइंग आपको है जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैंने आपको समझा पाया, शायद उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ, और उम्मीद मैं ये भी रखता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, जो नए लड़के हैं वो काफ़ी अच्छे से समझे, मैं तो ये कहूँगा। और मैंने एक एक चीज़ आपको जॉब जो बना हुआ है उस पर मैंने चेक करके आपको बिल्कुल ही क्लियर किया है, आपका डाउट क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो बने आप तक तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलेंगे किसी नए मज़ेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।